जानिए पृथ्वीराज, विक्रम और मेजर के डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में जानिए किस फिल्म ने मारी बाजी। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज और तमिल फिल्म विक्रम के साथ ही निर्माता महेश बाबू की तेलुगु फिल्म मेजर भी रिलीज हुई। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, संजय दत्त और मानव विच स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज करीब 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है। इसे अकेले भारत में करीब 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। माना जा रहा था कि फिल्म पहले दिन कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, लेकिन फिल्म के पहले दिन की कमाई शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 10 करोड़ 50 लाख रुपए पर ही अटक गई है। अक्षय कुमार की इसी साल मार्च महीने में रिलीज हुई फिल्म बच्चन पांडे ने पहले दिन इससे ज्यादा की कमाई करते हुए 13 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अपनी मूल भाषा हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। वहीं निर्माता महेश बाबू की तेलुगु फिल्म मेजर भी रिलीज हुई है। फिल्म मेजर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज को पीछे छोड़ दिया है। अदिविशेष स्टारर इस फिल्म का पूरे देश में जबरदस्त प्रचार किया गया और इसकी प्री रिलीज स्क्रीनिंग को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। ये एक बेहतरीन आर्मी बायोपिक है जिसमें दिखाया गया है कि आर्मी लाइफ क्या है और सैनिक अपने देश के लिए कितने महान और निस्वार्थ होते हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन बताई जा रही है। दर्शक मेजर संदीप के बलिदान को नमन कर रहे हैं। अदिविशेष के मेजर ने विश्व स्तर पर एक असाधारण शुरुआत की है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 4 लाख रुपए की कमाई की है। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने मेजर टीम द्वारा इस प्रयास और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन और उनके मुंबई में हुए 26/11 के हमले में उनके सर्वोच्च बलिदान को दिखाने के लिए खूब सराहा है। अदिविशेष ने अपने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें उनके फिल्म मेजर अब तक का सबसे बड़ा ओपनर है, जो कि उनकी पिछली 4 फिल्मों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। साथ ही शुक्रवार को हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज और मेजर के साथ 3 जून को ही रिलीज हुई निर्देशक लोकेश कनगराज की फिल्म विक्रम ने इस दिन रिलीज हुई तीनों फिल्मों में से सबसे ज़्यादा कमाई की है। ये उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फाजिल स्टारर इस फिल्म ने पहले तो एडवांस बुकिंग में ही बाकी दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था और अब शुक्रवार देर रात तक जो आंकड़े इस फिल्म के लिए आए हैं उससे पता चलता है कि फिल्म ने पहले दिन के कलेक्शन में भी बाजी मार ली है। फिल्म विक्रम ने रिलीज के पहले दिन सारी भाषाओं को मिलाकर करीब 34 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाया है। फिल्म के पहले दिन की टिकटों की कुल बिक्री 40 करोड़ रुपए के आसपास रही है। फिल्म अपनी मूल भाषा तमिल के अलावा हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अक्षय कुमार और कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स के बीच जो इंडस्ट्री में इतने सालों से राज कर रहे हैं और उनके बिग बजट मूवीज विक्रम और सम्राट पृथ्वीराज के बीच एक आउटसाइडर अदिविशेष की लो बजट मूवी मेजर का इन सब के बीच इस तरह का कलेक्शन जुटा पाना मेजर फिल्म की टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म तेलुगु के अलावा हिंदी और मलयालम में भी रिलीज हुई है। शुक्रवार को रिलीज हुई इन तीनों फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, विक्रम और मेजर में से आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इन तीनों फिल्म्स में से कोई फिल्म देखी है और वो आपको कैसी लगी है तो अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया फिल्मी।